हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष के जेड। हाँ तो गाइस, लियो मूवी के फैन कैसे हैं, थल्लापति विजय सर के फैन कैसे हैं, और अगर आप लियो के लास्ट सॉन्ग यानी कि आई एम स्केर्ड का वेट कर रहे हैं ना, तो फाइनली उसका लिरिकल सॉन्ग आ गया। जहां पर अगर आप उसकी मेकिंग देखेंगे, उसका बीजीएम देखेंगे, उसी के साथ साथ लिरिक्स से देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचेंगे कि पर्सनली मुझे अनिरुद्ध रविचंद्र से मिलना चाहिए, और जिसके लिरिक्स है उससे मिलना चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई तुम क्या खाकर क्या पी पाकर भाई सब लिरिक्स से लिखते हो, बीजीएम बनाते हो। क्योंकि गाइस, अभी कुछ ही देर पे लियो का आई एम स्केर्ड जो सॉन्ग आया, लिरिक जो सॉन्ग आया है, जहां पर अगर आप सुनेंगे जिस तरह से मूवी की टीम ने मेकिंग की है, जिस तरह से एडिटर ने भाई सब अपना काम किया ना, तो बस आप यही बोलने वाले कि जो इस सॉन्ग में हो रहा है, चाहे वो पिक्चर हो चाहे वो लिरिक्स हो, लिटरली मेरे साथ एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, क्योंकि जनरेशन ही ऐसा चल रहा है। और थल्लापति विजय सर के जो मतलब कि पिक्चर्स बताए गए हैं, कुछ कुछ सीन स्टार्टिंग जब स्टार्ट होता है तो ड्रॉप वॉचेस दिखाए जाते हैं, आफ्टर दैट एक ड्रॉप गिरती है करके, तो वो कहीं ना कहीं आउटस्टैंडिंग वाला वाइब आता है, और वहीं पर ऐसा लगता है कि काफी डीप है और काफी दिल के करीब है आई एम स्केर्ड सॉन्ग। और जिस तरह से भाई साहब, मैं अगेन बोल रहा हूं, मूवी की टीम ने और डायरेक्टर लोकेश कनगराज सर ने मतलब ये जो सॉन्ग किया ना भाई साहब, तबीयत खुश कर दी है, क्योंकि इसका बीजीएम इतना सॉलिड है, मेकिंग सॉलिड है, अनिरुद्ध रविचंद्रन सर का कंपोजिशन काफी तगड़ा है, लिरिक्स काफी तगड़ा है। और ये भाई लिटरली गाइस, जब ये आया ना तो मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। मोस्टली मुझे मॉर्निंग में पता था, लेकिन मैं सच बोलूं ना तो लियो के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लियो सक्सेस मीट में थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसके कारण मैं ये वीडियो पे काम नहीं कर पाया। और सच में गाइस, थिएटर में ये जो आई एम स्केर्ड सॉन्ग सुनाया गया था, लिटरली इतना सा सुनाया गया था, पूरा नहीं सुनाया गया था। तो पूरा अगर आप सुनना चाहते तो भाई सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर सुन सकते हैं, जो कि 2.5 मिनट के अराउंड यानी कि 2.26 मिनट के अराउंड है। और जब आप सुनेंगे ना तो बस आप यही बोलने वाले, लिटरली ये चीज मेरे साथ हो चुकी है, जो कि मूवी की टीम ने इमेजिन किया कि भाई सब आज की जनरेशन को क्या चाहिए, और मुझे काफी अच्छा सॉन्ग लगा। वैसे गाइस, आप लोग हमें बताएं, लियो मूवी के फैन बताएं, थल्लापति विजय सर के फैन बताएं कि आई एम स्केर्ड लिरिकल सॉन्ग आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है, तो सुना है तो आप लोगों को सुनने में कैसा लगा, म्यूजिक बीजीएम और लिरिक्स कैसे लगे, इसकी मेकिंग कैसी लगी, अपने ओपिनियन भाई कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं कि आप लोगों को कैसा लगा है वीडियो को। अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।